मैं दूसरे तरफ मुंह करके सोई थी, हाँ। ये मेरे तरफ मुंह करके सोए थे, तो पीछे से मेरा बड़ी जोर से गर्दन की सिंग पकड़ा है, हाँ। तो मैं डर गई। तो आप सपने में किसको मार रहे थे? आप सपने में याद नहीं आ रहा, लेकिन किसी झगड़ा हुआ है जिसको मैं मार रहा था। एक मिनट के लिए मैं इतना डर गई, घर में कोई घुस गया है, मेरा गला दबा रहा है, इनके ऊपर तो मेरा सक ही नहीं जा। पहले सपने गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अभी मैं सुबह सुबह बस उठा हूँ, मेरी आँख ही खुली है और आज मेरे पापा का फुल हेल्थ चेकअप होने वाला है, तो घर पे ब्लड टेस्ट के लिए आए हुए हैं, तो आप लोग को दिखा देता हूँ क्या हो रहा है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग। हो गया आपका या अभी होना है? आपका पूरा हो गया पापा? निकल। तो मम्मी पापा का हेल्थ चेकअप तो हो गया, हमने चाय भी पी ली, मम्मी ने चाय बना दी थी, अब मैं बना देता हूँ समोना के लिए कॉफी। बेबी उठ जाओ, कॉफी आ गई, पैर मत मार देना, उठो। अरे मना क्यों कर रही हो, उठो, चलो चलो चलो, 10 बज गए। आज हम लोग लंच के लिए बाहर भी जा रहे हैं ना सब लोग, याद है कि नहीं? मम्मी पापा का चेकअप भी हो गया। तभी ठीक नहीं है, कोई बात नहीं, कॉफी पी के ठीक हो जाएगी। चलो शाबाश। बुखार कैसे हो गया? नहीं है अभी, बिल्कुल भी नहीं है, जीरो है बुखार। चलो सारे बहाने हो गए, अब उठ जाया जाए, शाबाश। क्या हो गया मम्मी रात को? रात को पापा क्या किए हैं ना, हाँ। मैं दूसरी तरफ मुंह करके सोई थी, हाँ। ये मेरे तरफ मुंह करके सोए थे, तो पीछे से मेरा बड़ी जोर से गर्दन की सिंग पकड़ा है, हाँ। तो मैं डर गई कि घर में कोई घुस गया, क्या मेरा गर्दन दबा रहा है, मार देगा क्या मुझे। तो मैंने ना इनका हाथ छुटाई हूँ, हाँ। जब छुटाई तो बड़ा लोहा की तरह इनका हाथ टाइट खड़ा कर रखे है, हाँ। मैं छुटाई हूँ, तो मैं जब जैसे इनका हाथ पकड़ के ये क्या कर रहे हो, जब उधर के हाथ गया तो मेरे को अंदाजा मिला कि यही है, तब ये मेरा हाथ पकड़ के अट दिए हैं, तो मेरी ये वाली उंगली बहुत जोर से अट है, दर्द हो रही है, हाँ, इसमें बहुत देर तक चिल्लाई। आपको कुछ चिल्लाए हो? हाँ, इनको बार बार डांट रहे हैं, पता नहीं क्या कर दिया, मेरा हाथ इतना दर्द। ये जब चिल्लाए हैं ना तब मेरी नींद खुली है। तो आप सपने में किसको मार रहे थे? आप सपने में याद नहीं आ रहा, लेकिन किसी झगड़ा हुआ है जिसको मैं मार रहा, मारपीट। कहीं दिन में हाथ साफ नहीं कर पा रहे, रात में तो नहीं कर लिए मजाक? मैं क्या बताऊँ, इनका हाथ इतना हार्ड था उस टाइम, मतलब ताकत से जिसको लड़ना होता है वो कर रहे थे, जो दिन में आपके आगे नहीं बोल पा रहे हैं। नहीं नहीं, नींद में थे। मैं बोली क्या कर रहे हो, मेरा गर्दन क्यों दबा रहे हो, हाँ। तब भी नहीं कुछ बोले, फिर बोली मेरा गर्दन भी दबा दिया, मेरा हाथ हट दिया छुटाने पे, तो कह रहे हैं कि मैं वो सपना में किसी से लड़ाई कर रहा था। ये तो क्राइम क्राइम पेट्रोल। अरे नहीं, कल उन्होंने वो देखी है ना, शेरशाह और भुज, तो देश का वो उजागर हो गया, देश प्रेम जागा होगा, फौजी वोजी अपने को फौजी वोजी समझ के दुश्मन को मार रहे होंगे। एक मिनट के लिए मैं इतना डर गई, घर में कोई घुस गया है, मेरा गला दबा रहा है, इनके ऊपर तो मेरा सक ही नहीं जा। पहले यार ऐसे कैसे हो सकता है? मैं आपको बताऊं, कसम से एक घंटे तक मेरी उंगली और हाथ दर्द किया है, एक घंटे तक। अब मैं बड़बड़ाती रही। पापा आपको कुछ भी याद नहीं है? सपना सपना बिल्कुल नहीं याद है। पहले तो खुद रोते थे, अब तो मुझे स्कूल में बच्चे को पनिशमेंट मिल रही होती है ना, उससे पहले पूछते ना कि क्या किया था, हाँ। तो मुझे तो कुछ याद नहीं है, वैसे खड़े हाथ पीछे करते। मुझे किसी की भी कसम खिला दो, मैं इतना भयभीत हो जा रही हूँ जब मेरे को याद आ रहा है। अब कैसे सोओगी आप पापा के साथ? अब देखो मैं ऐसे सोई हूँ, इसी हाथ से देखो, सही बोली हूँ ना मैं, इसी हाथ में उंगली दबे। अब मैं ऐसे सोई हूँ, मान लो ऐसे, इसी हाथ से छुटाई हूँ मैं, यही हाथ मेरे यहाँ पकड़ लिए पीछे घुमा दिए, पापा भी बहुत मजबूत है। मेरे को लग रहा है कोई जिन्न तो नहीं आ गया पापा आपके अंदर, कोई तीसरी शक्ति रही, तीसरी शक्ति, कोई ऊपरी हवा का चक्कर। मुझे लग रहा है इन्होंने सपने में देखा है खुद को विक्रम बत्रा और दुश्मन को मारा है। 10 मिनट तक गर्दन भी झनझनाया है, लेकिन उससे ज्यादा मेरा हाथ झनझनाया, क्योंकि ये मोटा है, हाँ। उंगली पतली है, तो घुमाए थे तो ये ज्यादा दर्द कर, ये अभी भी दर्द है, मेरे इधर थोड़ा दर्द रहता है दोनों अंगूठों, ये घुमाए हैं तो मेरा ये अंगूठा बड़ा जोर से। चलो इसकी जाँच की जाएगी, आज रात में इसका पूरा कैमरा वैमरा लगाया जाएगा कमरे में, की क्या कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं ये पता लगाया जाएगा, तब तक आप लोग नहा लो। ये रोते जरूर है सपना में, रोते हैं तो मैं इनको हिला हिला कहती हूँ क्यों रो रहे हो, क्यों रो रहे हैं। ये पहले तो सिर्फ रोते थे, अब ये मार पिटाई पे उतर आए हैं। एक बार डॉक्टर को दिखा देंगे आप? नहीं नहीं, डॉक्टर इनको खुद याद है कि ये कुछ किए हैं, हाँ, क्योंकि मुंह पे है, मुंह पे है पापा आपने कि आपने ऐसा कुछ किया है। अरे मैं बोली हूँ, मैंने बोला था इनको कि सपने में मैंने मार रहा है किसी को, मार रहा है, लड़ाई हो रही है किसी, हाँ ये बोले लड़ाई हो रही है किसी से, तो लड़ाई में पूरी ताकत मेरे ऊपर। वो याद नहीं किससे हो रहा था, कहाँ पे हो रहा था, क्यों हो रहा था, याद करी
आप चिल्लाई क्यों नहीं हो, आवाज क्यों नहीं दियो हमें? इनको खुद यहाँ तक आवाज आएगी, सबका एसी चल रहा है, सबका गेट बंद है, इतना कुत्ते भोंके हैं, सुबह टेस्ट के लिए आया था तो आवाज आई थी तुम लोगों को? नहीं, मैं यही तो पापा कह रहे अविनाश को जगा दो, बोला है, मैं बोली इतना कुत्ते भोंक रहे वो जग नहीं रहे, बाहर कुछ भी हादसा हो जाएगा, जगेंगे नहीं। मम्मी आपको मालूम है सपने में दो बार ये मेरे को मारा है, आँख में मारा है। अच्छा एक बात बताओ, जो सपना है वो तो सपना है, मेरे डांटने के बाद जब लड़ाई हुई कि तुम मेरे को मारे हो सपने में, तो उसके बाद से वो कभी हुआ ही नहीं, इसका मतलब ही मारा था, मारना छोड़ दिया उसके बाद, मारना छोड़ दिए तब तो भाई इसको नहीं तो आपने झगड़ा करना भी छोड़ दिया होगा। नहीं नहीं मैं झगड़ा करी ना इस बात पे तो ये डर गया, मैंने कहा मैं छोड़ दूंगी तुम्हें अगर ये किया तो। मतलब है कि तब जब ये मारता था रात को तो आप उससे पहले झगड़ा भी करती? नहीं नहीं नहीं, आप झगड़ा छोड़ दी तो मारना छोड़। अरे ए, देखो हमारा सुनो पापा बहुत चालाक है भाई। एक मिनट हमारा केस तो सॉल्व कर दिया पापा ने, लेकिन अपना नहीं कर पा रहे जिसमें मौत का तांडव हो रहा था। मौत का तांडव, पापा पीसे है मम्मी के हाथों, मैं तो पीसते है, रात को निकाले है सपने, मम्मी बता रही हूँ ये जानबूझ के किया पापा, मैं तो बोली मेरा गला दबा रहे हैं ना, ये जो अंदर की हंसी अंदर से पेट से निकल रही है पापा की हंसी, मैंने बोली गला दबाते अगर मैं मर जाती तो निशान इनके ही हाथ का मिलता मेरे गले पे, चले जाते सीधे। तो ये ऊपर से कैमरा कैसे बंद हो गया, ये भी कहते हैं ना क्राइम मास्टर। नहीं कैमरा तो वो बहुत देर तक वो बटन ऑन रहेगी तो कहीं आग न लग जाए। अच्छा सीसीटीवी बंद करके किया गया है ये सीसीटीवी कैमरा? ओ ये तो सबूत मिटाएगा है मम्मी, तो सबूत मिटाने की कोशिश हुई है। चलो चलो जल्दी चलो भाई, लेट हो गए, चलो 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 चलो, ये सब एक दूसरे को चलो चलो बोल रहे, कोई चल क्यों नहीं रहा है, पता नहीं क्यों नहीं चल रहा है। अरे यार फाइनल लॉक मैं करूंगी, कुत्ते बिल्ली का पानी है। अच्छा हमको बताओगे पानी है कि नहीं है? हटाओ भाई, हम जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? बगल वाले की सीट पे बैग रख देती है कि बैठ ना पाए। कहाँ से आ रही है चीटी, कहाँ से आ रही है? ये देना है, ये ऐसा लग जाएगा ना यहाँ पे, इधर लगाओ या तो, क्योंकि उधर स्पीकर है ना, यहाँ लगाओ, यहाँ सही है, सीधा है, सही है। वैसे ना आज पूरा फील आ रहा है इंडिपेंडेंस डे का, नहीं फील भी आ रहा है, मौसम भी बहुत अच्छा है, मौसम भी बहुत अच्छा है। पापा दिल्ली में तो पतंगे उड़ रही होंगी? अरे खूब, आज ही तो पतंगे उड़ती हैं। वैसे हमने लोगों को अभी तक विश नहीं किया, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई हो, स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। चलो और स्वतंत्रता दिवस के दिन हम लोग भी आजाद हो गए हैं, स्वतंत्रता दिवस के दिन हम लोग भी आजाद हो गए हैं, सिर्फ बैलून वगैरह लगाए मुझे भी कितना अच्छा लग रहा है देखो। हाँ और जा रहे हैं लंच करने, और सरकार ने आज के दिन जो है जितने भी कॉफी शॉप वगैरह हैं 10 बजे तक खोल दिए हैं, रात को आजादी दे दी है, आजादी मिल गई, आजादी के दिन आजादी मिल गई। कहाँ पे फोन कर रहे हो? दूसरे रेस्टोरेंट में, यहाँ तो मना कर दिया ना बुफे नहीं है, ये इनका तो लास्ट टाइम तक भी बुफे था। तो जी हम लोगों ने खाना खा लिया और हम लोग वॉक कर रहे हैं, पापा मम्मी और मैं, अविनाश को मैंने बोला कि गाड़ी लेके आए तो वो गाड़ी लेके आ रहा है, तब तक हम लोग जितना वॉक कर सकते हैं उतना कर ले, क्योंकि यहाँ तक खाया है यहाँ तक, अब और इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। ओहो आ रहे हो, कहाँ हो अविनाश, दिख रहा है पापा वो क्या? अरे अरे हमें कुछ छोड़ के जा रहा है, अरे इतना भी चलने के लिए नहीं खा था, इतना क्यों चला रहे हो हमें, हम ऑलरेडी पता कितने चले हैं, आधा किलोमीटर हम तो जान के तो वहाँ पे हम लोग बिल्कुल भी वीडियो नहीं बना पाए, एक तो इतने लोग मिल गए और हम लोग खाने में इतने व्यस्त हो गए, 15 अगस्त पे आजादी मिली थी तो खूब खाया, खूब खाया, सब्सक्राइबर्स भी बहुत मिले वहाँ पे और अंदर अंधेरा भी बहुत था इसलिए व्लॉगिंग नहीं हो पाई। तो अब यहाँ तक खा चुके हैं, यहाँ तक अब घर जा रहे हैं। कॉफी नहीं पियेंगे अभी नहीं मम्मी कैसे क्या मम्मी, नहीं पी लो पीना है तो। अरे मम्मी को हंसी का दौरा तक शुरू हो गया, आप पी लो। नहीं बिल्कुल नहीं मम्मी, हमारे पेट में नहीं जगह है, अभी मेरे पेट में भी जगह नहीं है, घर जाएंगे। जूस मूस सब पी के आ गए, जूस मूस हाँ। ये कब पिए? जूस नहीं पिए हैं तो जूस बोलो ना, जूस मूस क्या होता है? जूस के साथ मूस लगाते हैं।
चूहा। भाई साहब हम लोग ऐसा ब्रंच करके आए कि अभी बज रहे हैं रात के 9:30। जबरदस्त आराम किया सबने और अब डिनर कोई भी नहीं करने जा रहा है, कोई भी डिनर नहीं कर रहा है। दोपहर का खाया हुआ है सिवाय मेरे, सिर्फ मेरे अंदर कैपेसिटी बची है डिनर करने की। और संभावना का तो सोने का भी प्लान बन गया है। तुम भी कुछ नहीं खाओगी अब मम्मी? नहीं बेटा, सैंडविच मंगाया खा लो। कुछ नहीं, नहीं, नहीं मम्मी खा लो, रात को ताकत चाहिए होती है। अगर फिर पापा ने गर्दन पकड़ ली पीछे से उनके ताकत के आगे कितना भी खा। पापा मैं अभी तक सुबह से मैं ये चीज को डाइजेस्ट नहीं कर पा रही हूँ कि गर्दन तो चलो आपने गलती से पकड़ ली थी, अब उन्होंने जब छुड़वाया तो इंसान कहता ना कि अरे मैं नींद खुल गई, मैंने ये मैं क्या करा था। नहीं खुलती है, आपने उन्हें हाथ उठाया तो आपने उनकी उंगली मुचका दी पूरी। ये कैसे मेरी नींद नहीं खुली, इतनी लंबी कैसे चलते चलते हम लोग सो जाते हैं, आपको मिलते हैं अगले बहुत ही बढ़िया ब्लॉग में। कल भी तुमने यही बोला था, कल भी यही बोला, फैंटास्टिक ब्लॉग होगा कि आप देखते ही रह जाओगे। तो मिलते हैं, वो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना। नींद आ रही है ना, हम कल मिलेंगे। नींद में तो क्या हुआ मम्मी, मैं अंदर जा रही हूँ सोने। जाओ पक्का, आप कुछ नहीं होगा ना मेरे को, मेरी कहीं जरूरत पड़े चोर की तरह जाएंगे। मैं हाथ जोड़ के मुझे गर्दन दबा के निकल जाएंगे। मैं सोने जा रही हूँ मम्मी, चल चिट्टी। चलो कीड़े मकोड़े ले जाओ अपने, यही सोने दो। अच्छा वो रात को ना रोता है कोको, तो इसको ना शायद वो एसी की हवा नहीं चल रही है, उसको इधर रहने दो।